हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। दरअसल उन्हें देश की संस्कृति का ही मालूम नहीं है, वो तो पैसे के दम पर यहाँ प्रत्याशी बन गए हैं। विदेश की क्या कल्चर है, बाबा साहब का क्या योगदान है, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके उन्हें देश के लोकतंत्र में उनका भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने बाबा साहब का चित्र नहीं लगाया। और दलित वोट समझ गया है, दलित मतदाता समझ गया, इसलिए उनके पक्ष में कोई मतदान करने को तैयार भी नहीं है। उनकी सोच ही देश के लोकतंत्र में नहीं है, उनकी आस्था इस देश के लोकतंत्र में नहीं है। वो इस देश को अपना देश नहीं मानते, उनकी विचारधारा कहीं अन्य से जुड़ी है, इसलिए इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष वो नहीं मानते। तो साफ जाहिर है कि वो यहाँ के लोकतंत्र भरोसा नहीं कर दिए, इसलिए जनता उनको नकार रही है, जनता उनका साथ नहीं देगी और बुरी तरह से पराजित होंगे। मेरी जानकारी में भी ये आया है कि आज के कुछ दैनिक समाचार पत्रों में ये इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं जिसमें गठबंधन प्रत्याशी है अमरोहा लोकसभा का दानिश अली, उसने दलितों के वोट मांगने के लिए आज बाबा साहब अंबेडकर की जी की जयंती पर मायावती जी और अखिलेश यादव जी के फोटो लगाकर विज्ञापन प्रकाशित किया है और जयंती की शुभकामनाएं लोगों को दी हैं, वोट की अपील की है। लेकिन इस पूरे विज्ञापन में, फोटोग्राफ में कहीं भी आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी का फोटो तक यहाँ नहीं है। मैं आप लोगों से बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो गठबंधन प्रत्याशी है दानिश अली, केवल जाटा वोट बैंक की खातिर एससी एसटी के लोगों को अपने प्रभाव में लेने हेतु तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह की बातें वो कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को, न्याय दिलाने के उनके सिद्धांतों को वो बिल्कुल दरकिनार कर रहा है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बाहर का प्रत्याशी जो यहाँ लाने की तैयारी हो रही है, कर्नाटक से ये आया है, वापस कर्नाटक चला जाएगा और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर ये वोट इकट्ठे करना चाहता है। और यहाँ तक कि बाबा साहब की जयंती पर इसने दलित समाज का, न्याय संगत लोगों का, जो न्याय दिलाने की बात बाबा साहब करते थे, उन सब का अपमान यदि किसी ने किया है तो मैं मंच से कहना चाहता हूँ वो बाबा नहीं, दानिश अली गठबंधन प्रत्याशी ने किया है। बाबा साहब का घोर अपमान किया है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह नकार चुकी है। और ये निश्चित है इसका परिणाम भी इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर सकता है वो आखिरकार दलितों का हितैषी हो नहीं सकता। समाज, सामाजिक लोग, वकील, सभी लोग ऐसे व्यक्ति को जान चुके हैं जो व्यक्ति केवल वोट बैंक की खातिर दलितों को अपना दिखा रहा है। और आज बाबा साहब जी की जयंती पर उसने खुलेआम बाबा साहब का अपमान किया है। जय हिंद, जय भारत। अभी बीच में चर्चाओं का विषय बना रहा था कि दलितों से हाथ मिलाने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं। हाँ, ये भी मैंने, ये भी ये बात भी ठीक है। मैंने कई सारे अखबारों में इस खबर को भी देखा था कि दलितों से हाथ मिलाने के बाद वो साबुन से हाथ धोने वाली खबरें प्रकाशित की थी। ये बात भी लोगों के जहन में आ चुकी है। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण मैं लोगों से, जाटव समुदाय से, गरीब लोगों से, आम लोगों से अपील करूंगा कि वो इस गठबंधन के प्रत्याशी को पहचान लें और ये देख लें कि दानिश अली जैसा व्यक्ति आखिरकार आप लोगों के साथ कर क्या रहा है। वो इतना ज़्यादा पक्षतापूर्ण कार्य करता है कि वो आम लोगों को भी एक अलग नज़रों से देखता है और अपनी केवल अमीरी के शकून में, अमीरी के रसूख में वो रहना चाहता है। वो गरीब लोगों की भावनाओं को, उनके कार्यों को, उनकी बातों को नहीं समझता है। ऐसा पूरा हमारा जाटव समाज या अनुसूचित समाज जितना भी इस देश में रहता है वो बाबा साहब को अपना भगवान मानता है, क्योंकि बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण ही हम लोग जनप्रतिनिधि हैं या नौकरियों में गए या देश की सेवा कर रहे हैं या विभिन्न क्षेत्रों में जा करके वहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं गाँव में घूमने के लिए जा रहा था, दानिश अली गाड़ी में साबुन रखते हैं और धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, ऐसा कई लोगों ने बताया कि हमारे सामने हाथ धुला है। अखबार में भी इस तरह की खबरें निकली है, अखबार में भी इस तरह की खबरें निकली हैं और ये सब चला आ रहा है। उनकी छोटी मानसिकता, घृणित मानसिकता इसी से दिखाई देती है कि वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं।
और हमें लेकर के जा रहे हैं वो 1947 से पहले वाले भारत की तरफ, जब भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी और अलग तरह का वातावरण था। भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी, न्याय के सिद्धांत पर भारतीय संविधान की रचना की गई और जिसका लाभ लेते हुए प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर कहना चाहिए कि उसको अपनी प्रतिभा को दिखाने के पूरे अवसर हमारे देश में है। और शब्दों में निंदा करता हूँ कि इस तरह का कृत्य हमारे यहाँ ना करें, हमें उस तरफ ना लेकर के जाएं, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जो सबका साथ सबके विकास के आधार पर, साफ नियत सही के विकास के आधार पर। मोदी जी ने पूरी ईमानदारी से शौचालय हो, आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, यानी कि जितने भी योजनाएं चलाई हैं, कहीं पर भी जाति और धर्म में नहीं बांटा है, उन्होंने सभी को लाभ पहुंचाया। और एक छोटी मानसिकता, बाबा साहब को हम भगवान मानते हैं, पूरा बहन जी उन्हीं का नाम लेकर के आगे बढ़ रही हैं, बाबा साहब का आज अपमान करा रही हैं। ये वही लोग हैं जो मुलायम सिंह जी को कहती थी कि बहुत ही दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति है, एक गुंडा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग, अजीत सिंह जी को इसी तरह का शब्दों का प्रयोग करती थी और गेस्ट हाउस में 1993 में उनको घेर लिया था मारने के लिए। और आज घृणित मानसिकता इसी से दिखाई देती है कि ये जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दानिश अली और मायावती जी, बहन जी का जो प्रत्याशी है यहाँ से, जो पैसा देकर के टिकट लेकर के आया है, इस तरह की चर्चाएं चारों तरफ हैं और वो कहीं भी जा रहा है तो वो घृणित वातावरण पैदा कर रहा है। कहीं भी आपको बाबा साहब का फोटो दिखाई नहीं देगा, या जो सिर पर, जिनको बहन जी गुंडा कहती थी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह जी हो या चौधरी अजीत सिंह जी हो, उनको गुंडा कहती थी, गालियां देती थी, और आज अपने सिर पर बैठा रखा है जहां पर बाबा साहब का स्थान होना चाहिए। बाबा साहब का अपमान है ये, और हम सब इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं, पूरा हमारा समाज घोर शब्दों में निंदा करता है। और मैं ये केवल बनावटी नहीं, आज आपको डेट भी देख सकते हैं, 14 अप्रैल का ये अखबार है, आप किसी भी अखबार में पढ़ सकते हैं कि कहीं भी बाबा साहब की इसके अंदर फोटो नहीं है। बहन जी ने जिनको गुंडा कहती थी उन्हीं को सिर पर बैठा रखा है, तो इससे उनकी मानसिकता कि उन्होंने लूटने के लिए महागठबंधन बनाया, हमारा जाटव समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो साबुन से हाथ धुलने की बात हो, चाहे ये बाबा साहब का अपमान हो, हम इसका घोर शब्दों में निंदा करते हैं और इस चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम हमारा समाज करेगा। देखो, सबसे बड़ा तो बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान इस कैंडिडेट ने किया है, और अब उसमें आज पूरे अखबारों में छाया हुआ है, और आज बाबा साहब से ऊपर हो गए वो लोग जिनके मायावती जी के ऊपर फोटो लग रहे हैं, जो इनके साथ गेस्ट काउंट भूल गई है मैडम बहन मायावती। और आज मैं दिखाना चाहता हूँ, आज ये देखो सारे अखबारों में ये खबर लगी हुई है, कोई अखबार उठा लो ये खबरें लगी हुई हैं। तो ये क्या है, ये अपमान नहीं है तो बाबा साहब का क्या है ये? मैं तो कहना चाहता हूँ अपने जाटों समाज के भाइयों से, ये आदमी क्या जानता है, बाहर कर्नाटक से यहाँ के चुनाव लड़ रहा है, और आज यहाँ पर अखबारों में देखो, फिर दूसरा वो किसी भी जाटों समाज से हाथ मिलाता है तो उसके साथ में ये जाटों समाज का सारे का अपमान है, बाबा साहब का अपमान है। और हम बाबा साहब को मानते हैं, हमारी सरकार बाबा साहब को मानती है। आज बाबा साहब के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो तीर्थ स्थल घोषित किए हैं, वो पहले सरकारों ने किसी ने नहीं किए। आज माननीय मोदी जी ने हमारे दलित समाज के लोगों को पैर धोए हैं, आज वो कहने नहीं चाहिए, हम दलित समाज का मान सम्मान पूरा हमारी सरकार ने किया है। जो भी सरकार के हमारे योजनाएं चल रही हैं, वो दलित समाज को बहुत उनका मिला है। आज हमारे राष्ट्रपति जी आज हमारे जाटा समाज से आते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आज जो इतने इतने बड़े पद दलित समाज को दिए हैं, तो मैं अपनी सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। पर ऐसे लोगों को जो ये बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और पूरे जाटा समाज का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता को पहचाननी चाहिए। ऐसा आदमी जो समाज से दूर रहना चाहता है, और मैं तो ये कहूँगा बहन जी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है, तो ऐसे लोग ये क्या समाज की इज्जत कर सकते हैं? नहीं करेंगे। ठीक, एक सेकंड। हाँ जी, मुझे पूरा लगता है, क्योंकि देखिए इसमें ना तो उनका फोटो, बाबा साहब का, अम्बेडकर जी का फोटो दिया गया है, जबकि सम्मानजनक इन्हें पहले फोटो जरूर छापना चाहिए था। और अपना प्रचार कर रहे हैं दानिश अली जी हर जगह, लेकिन बाबा साहब का फोटो बहुत ज़रूरी था। मैंने ये भी सुना है कि बाबा साहब दानिश अली जो हैं, वो जो भी दलित वर्ग के लोगों से हाथ भी मिलाते हैं तब वो साबुन से धोते हैं, ये मैंने सुना भी है। और मैं जाकर जब दलित वर्ग में गई हूँ, जाटा समाज में मैं मिली हूँ, तो मैंने देखा कि लोगों से सुन, ये बात खबर जो है सच है।
तो ये क्या है, दालिशानी बाहर का आया हुआ बंदा है जो बस पैसे कमाने आया है, सत्ता में आया है अपना नाम कमाने के लिए, ये कोई काम करने के लिए नहीं यहाँ पर नहीं आया है। और इसको यहाँ पर वोट अगर दलित समाज देता है तो ये बहुत सब दलित समाज की सबसे बड़ी गलती होगी समाज में, क्योंकि ये समाज दलित समाज के लिए नहीं आया, ये अपने लिए आया स्वयं के लिए। बस मैं सभी से ये अनुरोध करूँगी कि दलित समाज इनकी राजनीति को समझे और अपना वोट सोच समझ कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार गौतम जी। क्या मामला है विज्ञापन का? जो मामला है विज्ञापन का, मामला ये है जो अमरोहा लोकसभा है हमारी, उससे गठबंधन की है, इससे हमारे जो कैंडिडेट हैं दानिश अली, इन्होंने 14 अप्रैल की शुभकामनाएं देने के लिए जो विज्ञापन छपवाया है उसमें बाबा साहब का ही फ़ोटो नहीं छपवाया, जबकि अपने बड़े बड़े फ़ोटो छपवाएं। ये हमारे दलित समाज का अपमान है और इसका लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, दलित समाज को संज्ञान लेना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए समाज को कि ये सिर्फ आपके वोटों के लिए, आपसे वोटों की राजनीति करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, ये बाबा साहब का सम्मान नहीं करते। और मैंने तो ये भी सुना है कि दलित समाज के लोगों से हाथ मिलाकर दानिश अली जी अपने हाथ धोते हैं। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह साहब, राजपाल सिंह टाटा जी। क्या मामला है विज्ञापन का? ये जो दानिश अली जो है इसका गठबंधन का प्रत्याशी है, इसने अम्बेडकर जयंती पर जो है बाबा साहब का फोटो न लगाया, इस विषय में जो है जाटव भाई जो बहुत बड़े विरोध में है, और जाटव भाई ये मतलब हर तरीके से ये चाहते हैं कि इतना अपमान किया, जाटवों का अपमान किया है, उसके बाद हर तरीके से बदला लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध करेंगे, हर तरीके से दानिश अली को जो है इसका नाक मुँह तोड़ जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? योगेश वर्मा नाम है। क्या मामला है विज्ञापन का? मामला ये है कि 14 अप्रैल के दिन आज गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली जी ने जो अखबार में ज्ञापन दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती का, उसमें बाबा साहब का फोटो ही नहीं लगाया उन्होंने, और ये सरासर दलित लोगों का अपना अपमान है और दलित समाज इसका विरोध करता है। और मैंने यहाँ तो सुना है कि दानिश अली जी दलित समाज के लोगों से हाथ मिलाकर साबुन से हाथ धोते हैं, तो जाटव समाज इसका विरोध करता है, विरोध करता है। क्या नाम आपका? अशोक कुमार जाटव। क्या मामला विज्ञापन का? विज्ञापन का ये मामला जी, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं दानिश अली जी, आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े फोटो लगाए हैं, बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया, इस बात से दलित समाज पर असर पड़ता है जी, ये मामला है सर। फोटो ना लगाने के कारण दलित समाज में आक्रोश फैला। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।